हिंदी से हिंदुस्तान, हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान। पर अफसोस आजकल हिंदी बहुत उदास है, पर अफसोस आजकल हिंदी बहुत उदास है, क्योंकि अपने ही देश में, क्योंकि अपने ही देश में खो रही वो अपनी पहचान है, खो रही वो अपनी पहचान है। क्यों सिर्फ एक ही दिन करते हैं, क्यों सिर्फ एक ही दिन करते हैं हिंदी भाषा का गुणगान। हम अपनी अपने ही देश में हो गई हिंदी सिर्फ एक दिन की मेहमान। जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तब हिंदी भाषा का हम गुणगान करते हैं, लेकिन बाद में हम उन बातों को भूल जाते हैं। यही पंक्ति कवि ने यहाँ पेश की हुई है। एबीसीडी तो सब जानते हैं, एबीसीडी तो सब जानते हैं, पर कामा कामता से कई हैं अनजान। हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, जब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाता है तो बच्चों को हिंदी की भाषा से पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं आंशिक रूप से अनभिज्ञ रखा जाता है। तो कह रहे हैं कि ये भी सीडी तो सब जानते हैं, पर काका काका से कई अनजान। जनवरी फरवरी तो याद है सबको, पर हिंदी के महीनों का नहीं है क्या? पर हिंदी के महीनों का नहीं है क्या? माँ लोरी भी तो हिंदी भाषा में गाती है। जब माँ हमारा बचपन होता है तो माँ जब हिंदी में लोरी गाना सुनाती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हमारे सामने हमें पढ़ लिख करके शिक्षक हो जाते हैं, जब हमारे सामने कोई हिंदी भाषा का बहुत शुद्ध प्रयोग करता है तो हम उसे हंसी का पात्र बनाते हैं। दादी नानी कहानियां इसी भाषा में सुनाती है। हिंदी हमारे देश की हर पुतली आवाज है। जैसा कि अभी पूनम दीदी ने बताया कि हम जब बोलना सीखते हैं तो हिंदी भाषा में ही बोलना सीखते हैं। हिंदी हमारे देश की हर पुतली आवाज है, फिर क्यों हिंदी भाषा बोलने में आती हमें लाज? फिर क्यों हिंदी भाषा बोलने में आकर हमें लाज? क्यों अंग्रेजी बोलने में समझते अपने आप को महान? क्यों अंग्रेजी बोलने में समझते अपने आप को महान? भूल गए इसी भाषा ने बनाया था हमें बरसों पहले गुलाम। भूल गए इसी भाषा ने बरसों पहले बनाया था हमें गुलाम। अंग्रेजी की माला जपकर, अंग्रेजी की माला जपकर ना करो हिंदी का अपमान। अंग्रेजी की माला जपकर ना करो हिंदी का अपमान। आओ मिलकर ये प्रण लें, आओ मिलकर ये प्रण लें, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान।